एक्टर बनना चाहते हो तो ऑडिशन तो देने ही पड़ेंगे, और ऑडिशन देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके हिसाब से, मतलब आपकी एज के हिसाब से, आप मेल हैं, फीमेल हैं, चाइल्ड एक्टर हैं, हाउस वाइफ हैं या ओल्ड एज में, वो ऑडिशन कहाँ पे चल रहे हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे पता करते हैं कि ऑडिशन कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो आज का वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे अपना ऑडिशन, और अगर ऑडिशन मिस किया तो मिस कर जाएंगे कि कैसे सक्सेसफुल एक्टर बनते हैं। तो आज के फिल्मी फंडे में मैं बताने वाला हूं कि ऑडिशन इन्फॉर्मेशन को आप कैसे अपने पास ला सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन आपको गाइड करता है, ट्रेन करता है कि कैसे आपको अपनी फिल्मों में करियर बनाने में आसानी हो सकती है और कैसे आप सीख सकते हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि कभी भी कहीं भी आपके लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो कभी भी आपसे मिस ना होने पाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑडिशन की इंफॉर्मेशन आप कैसे कैसे ले सकते हैं। आज के वीडियो में वही लोग जुड़ेंगे, मुझे मालूम है, जो रियली सिंसियरली सीरियसली एक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि उनको एक्टर बनना है लेकिन उन्होंने अभी तक माना है, ठाना नहीं है, वो लोग नहीं जुड़ेंगे, कोई बात नहीं। मेरा उन सभी सिंसियर लोगों के लिए आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है, सभी एक्टर्स के लिए, खासतौर से जो मुंबई से बाहर रहते हैं, हाँ जो मुंबई के अंदर भी रहते हैं या मुंबई में आ गए हैं दूसरे शहरों से, उनके लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यार ऑडिशन पता ही नहीं चलते, कैसे पता करें कहाँ ऑडिशन हो रहे हैं। आज जॉइंट फिल्म्स का जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कॉल आते हैं तो ये आते हैं कि हमें ऑडिशन का पता कैसे चलेगा। तो आज के वीडियो में मैं डिटेल में बताता हूँ कैसे पता चलेगा। पहला तरीका है आपका कि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, मतलब कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये दो साइट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, यहाँ पे ज़्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर डायरेक्टर्स के प्रोफाइल अवेलेबल हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ढूंढ के कि भाई यहाँ यहाँ ऑडिशन चल रहा है, क्योंकि जब भी उनके पास ऑडिशन चल रहा होगा वो वहाँ पर पोस्ट तो करने ही वाले हैं। तो पहला तरीका, बहुत बड़ा तरीका बता रहा हूँ आपको, कि आप खुद जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है यार, आपको कोई अगर सामान चाहिए होता है तो आप दो तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका, आप शॉप पे जाते हैं और शॉप पे आप अपना सामान ऑर्डर करते हैं, सामान लेके घर आ जाते हैं, आपका काम बन जाता है। दूसरा तरीका, आज का टेक्निकल तरीका, साइंटिफिक तरीका, डिजिटल तरीका, कि आप जोमेटो या किसी ऑनलाइन साइट पर ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर आपके घर पे चला आता है। दोनों तरीकों से काम तो आपका ही बनता है और जो आप चाहते हैं वही होता है। तो आपको क्या करना है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स को जाके फॉलो कर लेना है। नंबर टू, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आप सर्च करेंगे तो ऑडिशन कीवर्ड टाइप करिए, सर्च कीजिए, बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे आपको, है ना, वहां से आपको ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको जाके फॉलो कर लीजिए। कास्टिंग कॉल करके सर्च कीजिए, वहाँ से बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, आपके शहरों के भी मिलेंगे। मान लीजिए मैं अगर भोपाल में रहता हूँ, मैं क्योंकि भोपाल से हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, तो मैंने करा ऑडिशन इन भोपाल, तो मुझे पता चल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि एल्गोरिथम आपको सपोर्ट करता है। आज का जो ज़माना है ना वो इतना पावरफुल है कि आप जो चाहें जब चाहें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इन सारे ग्रुप्स को आप फॉलो कर लीजिए, उससे भी आपको नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल पर और वहां से आप जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑडिशन बेस्ट है। थर्ड पॉइंट है, और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे बनाए हैं कई लोगों ने कि जहां से आपको ऑडिशन इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ऐसा ही एक ऑडिशन ग्रुप यानी कि ऑडिशन बैंक बनाया है जॉइंट फिल्म्स ने, जॉइंट फिल्म्स ऑडिशन बैंक, जहां से आपको जो भी ऑडिशन मुंबई में या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कहीं पर भी चल रहा है, आपके एज ग्रुप के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो गया। आप समझ पा रहे हैं, जो मैंने बोला था ऑफलाइन आप शॉप पे जाके खरीदते हैं तो आपको खुद जाना पड़ता है, आप लेकर आते हैं, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो सीधी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाती है। तो जॉइंट फिल्म्स ऑडिशन बैंक एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर आपको सारे के सारे ऑडिशन डेली मिल जाते हैं। मतलब ये है, इतना आसान है कि सुबह आप उठे और उसके बाद आपने तैयारी की कि आज मुझे ऑडिशंस पर जाना है या ऑनलाइन ऑडिशंस देने हैं, आप प्रिपेयर हैं एज एन एक्टर। अब एक नोटिफिकेशन आया,
आपने देखा ये तो मेरे एज ग्रुप का है, ये तो मेरे जेंडर का भी है, मतलब बिल्कुल फिल्टर होके आपके मोबाइल में पहुंच गया। आपने उसकी तैयारी की और आपने उसको दे दिया, काम कितना आसान हो गया। मैं इसलिए कहता हूं कि ये गोल्डन ईरा है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का। अब अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो दो ही रीजन होंगे, पहला ये कि शायद आपको एक्टिंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, शायद आपके इमोशंस उतने अच्छे से नहीं एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, आपको लाइंस उतनी अच्छी तरह से याद नहीं हो पा रही हैं, या लाइंस तो याद हो रही हैं लेकिन जब आप एक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत फ्लैट जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऑडिशंस आते हैं जिनको मैं फीडबैक देता हूं, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है लाइंस तो याद कर लेते हैं लेकिन उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो पहला है कि आपको काम आना चाहिए, दूसरा है आपका अप्रोच भी प्रॉपर होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए जॉइंट फिल्म्स ऑडिशन बैंक से आपको एक इन्फॉर्मेशन आई है और आपने उसको जल्द से जल्द नहीं भेजा और सोचा कल भेजेंगे परसों भेजेंगे, फिर एक हफ्ते बाद आप सोचते हैं क्या मैं एक हफ्ते बाद भेज सकता हूँ, क्या मैं एक महीने बाद भेज सकता हूँ, पर क्यों देर करनी जब आपका ये ड्रीम करियर है, ड्रीम गोल है और ऑडिशन बैंक की आपके पास ताकत है तो क्यों नहीं करना। सिंपल सी बात है, इन्फॉर्मेशन आ गई फिर एक्शन लेना आपका काम है। चौथा तरीका ऑडिशन देने का कि जो भी रेगुलर प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पर ऑडिशन डायरेक्टली देना शुरू करें। हालांकि लॉकडाउन के बाद से, कोविड के बाद से डायरेक्टली ऑडिशन देना थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए ऑनलाइन ऑडिशंस बढ़ गए हैं। पांचवा पॉइंट है कि सेल्फ इंट्रो मांग रहे हैं सारे कास्टिंग डायरेक्टर, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं आजकल ज़्यादातर ले रहे हैं सेल्फ इंट्रो। हम सोचते हैं सेल्फ इंट्रो से क्या होगा, सेल्फ इंट्रो से तो हम टैलेंट दिखाई नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ इंट्रो में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि सेल्फ इंट्रो में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि चार तरह के सेल्फ इंट्रो होते हैं। अगर आपने वीडियो देखा तो भी कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी वो वीडियोस को कितना सिंसियरली सीरियसली देखती है, जिसको कि मैं और मेरी टीम इतनी मेहनत से बनाते हैं वो भी तो पता चलना चाहिए। तो आपने अगर देखा तो बताइए, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में वीडियो बनाऊं तो भी मुझे बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन को, यानी कि कास्टिंग डायरेक्टर जब इंट्रो मांगते हैं, आपने इंट्रो भेज दिया और बेहतर तरीके से भेज दिया, उसके बाद जब भी आपका लुक, आपका एज ग्रुप, आपका जेंडर मैच होगा तो वो लोग आपको कॉल करेंगे। ये हैं बेसिकली मेन तरीके ऑडिशन देने के। हाँ, अब किन लोगों से आपको बचना है वो भी जान लीजिए, जो आपका ऑडिशन मंगाते हैं और बोलते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए, आपका प्रोफाइल मंगाते हैं और बोलते हैं कि सेलेक्ट हो गए हैं, अब आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना है, उसके लिए इतने पैसे दे दीजिए, ये फेक है। फेक ऑडिशंस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, इवन मैंने फेक ऑडिशंस पे ऑडियो स्टिंग ऑपरेशन भी किए हैं, जहां पर कि एक एक्टर किसी कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा है और वो उसको ठगने की, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। उन वीडियोस का थंबनेल शेयर कर रहा हूं, उनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं यही चाहता हूं कि आपके पैसे और समय दोनों बचे। दूसरी बात यह है, मेरा मिशन, जॉइंट फिल्म्स का मिशन सिर्फ एक ही है कि जितने भी क्रिएटिव आर्ट है, जितने भी कलाकार हैं, उनको उनका प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उसके लिए हम उसको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि वो जो जगह बनाना चाहते हैं वो बना पाए। तो प्लीज़, वो तभी पॉसिबल है जब आप फ्रॉडस्टर से बच के रहें। तो वो सारे वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप फ्रॉड से तभी बच सकते हैं जब आपके पास जानकारी होती है, जानकारी नहीं तो दुर्घटना घटे, सिंपल सी बात है। तो अपने पैसों का इस्तेमाल कीजिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए। अपने समय का इस्तेमाल कीजिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, जाने अनजाने आप फेक ऑडिशंस में फंस जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है और आप बहुत बेहतर एक्टर हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फिर जो जॉइंट फिल्म्स एकेडमी की 3 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, ऑडिशन सेलेक्शन वर्कशॉप, आप उसको अटेंड करें। ऑडिशन सेलेक्शन वर्कशॉप में आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसानी से ये समझ पाएंगे कि क्या वजह है कि कुछ एक्टर बार बार प्रोडक्शन हाउस रिपीट करता है और बहुत ज़्यादा टैलेंट होने के बाद भी बहुत सारे एक्टर को कभी भी काम नहीं मिल पाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 95% लोग क्यों फेल्यूर हैं और 5% ही क्यों सक्सेसफुल हैं, उनके पास इतना काम क्यों है कि उनके पास समय नहीं है, और 95% के पास इतना समय है कि कोई काम ही नहीं है। इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जान जाएंगे तो आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, और यही मेरी इच्छा है, यही मेरा मिशन है। जॉइन फिल्म्स में आपके लिए सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं।
अगर आप अपने शहर गांव से पहले इनको देख कर आएंगे तो मुंबई में आपको फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो जो मैंने किया है मैंने सब उसमें वीडियोज़ में दे दिया है, बहुत आसानी से बता दिया है, आप उससे सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपना बॉलीवुड में करियर बनाना है। अगर फिर भी कोई जानकारी छूट रही, फिर भी आपका कोई सवाल छूट रहा है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता हूँ। बस YouTube के सर्च बार में जाइए और अपना सवाल टाइप कीजिए कि एक्टर कैसे बने, या जो भी आपको लगता है कि मेरी हाइट कम है या मेरा लुक ऐसा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, जो भी आपके सवाल हैं, पेरेंट्स को कैसे मनाएं, जो भी सवाल है बस उसको टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, ज्वाइन फॉर्म्स टाइप कीजिए, सवाल के जवाब के रूप में आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मैं वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ कि जो भी कहीं से भी कभी भी अगर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो ना तो वो डरे ना उसका परिवार डरे। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपका सपना हकीकत में बदल सके। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I can, I...